एक चीज़ और बताना हम चाहते हैं, ये जो डिस्क पैड है ये तो जनरेशन 3 का है भाई, लेकिन हम फाइनली सेकंड सर्विस इसका होने जा रहा है ड्यूकी का। और सेकंड सर्विस में कितना क्या कॉस्ट आता है, क्या क्या लगता है, क्या क्या इंजन ऑयल इसमें थोड़ा कम लग रहा है, पता नहीं कैसे कम लग रहा है मेरा, हो सकता है एग्जॉस्ट लगाने के बाद हो रहा होगा ये, सॉरी रहेगा सबको क्योंकि हम वो चीज़ आप लोग को गलत बता रहे थे, तो उसके लिए सॉरी रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। भाई आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि कंटेंट आज किस बेसिस पे होने वाला है। तो भाई मेरा बाइक आप लोग देखिए चल गया है कितना 5469 किलोमीटर, मतलब वही 55 आसपास मान लीजिए 5500 चला गया है। सर्विसिंग करवाने जा रहे हैं और जैसे कि सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं शोरूम आपको जब बाइक लीजिएगा तो वहाँ बोला जाता है फर्स्ट सर्विस के बाद आपको 7000 से 7500 के बीच में चेंज करना पड़ता है, सर्विसिंग करवाना पड़ता है। बट मेरा बाइक आप लोगों को सीन पता ही होगा, और जिन लोगों को नहीं पता होगा उन लोगों को हम बता दें, जब मेरा बाइक का ये काम हुआ था इंजन का तो मेरा 400 या 500 आसपास कुछ वही चला हुआ था। तो भाई उस टाइम ऐसा हुआ था 400-500 में ही मेरा इंजन ऑयल चेंज हो गया था, ठीक है। तो मेरा 400 से 500 में चेंज इंजन ऑयल हो चुका, देखा जाए तो मेरा गाड़ी अभी 5000 किलोमीटर चल चुका है। तो हम भाई सोच रहे हैं ना, और हमको ना इंजन ऑयल इसमें थोड़ा कम लग रहा है, पता नहीं कैसे कम लग रहा है मेरा, हो सकता है एग्जॉस्ट लगाने के बाद हो रहा होगा ये, या फिर हमको ये सीन तो हमको नहीं पता बट इंजन ऑयल हमको कम लग रहा है। तो देखते हैं अगर आप लोग को कहीं रुक के दिखा पाएंगे, क्योंकि आज भाई जा रहे हैं वहाँ पंडरा वाला जो सर्विस सेंटर ने जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं इस बार ये बरियातू का सर्विस सेंटर, बरियातू वाला में जा रहे हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है, क्योंकि मैं भाई मेरा यहाँ फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा बरियातू वाला में कि कैसा क्या करते हैं नहीं करते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोग को हमको बोलना था, हम मिस्टेक क्या कर रहे थे भाई, क्विक शिफ्टर का यूज़ करने के लिए हम, मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक हो रहा था वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो मेरा से मिस्टेक हो रहा था, थोड़ा मिस्टेक हुआ उसके लिए सॉरी रहेगा सबको, क्योंकि हम वो चीज़ आप लोग को गलत बता रहे थे तो उसके लिए सॉरी रहेगा। बट जो भी हो क्विक शिफ्टर मान लीजिए मेरा काम कर रहा है, बट मिसिंग का इशू क्या भाई, वो मिसिंग का इशू जो है मेरा झटका जो लेता है गाड़ी वो तो हो ही रहा ना भाई, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, ये आप लोग को हम बस भाई दिखा नहीं पाएंगे। खैर अभी आप लोग को गाड़ी साइड करके दिखाते हैं, भाई मेरा इंजन ऑयल पता नहीं कैसे कम हो गया है, हमको तो भाई समझ ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पे साइड करते हैं, क्विक शिफ्टर मान लीजिए मेरा काम कर रहा है बट मिसिंग का इशू क्या भाई, वो मिसिंग का इशू जो है मेरा झटका जो लेता है गाड़ी वो तो हो ही रहा ना भाई, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, ये आप लोग को हम बस भाई दिखा नहीं पाएंगे। खैर अभी आप लोग को गाड़ी साइड करके दिखाते हैं, भाई मेरा इंजन ऑयल पता नहीं कैसे कम हो गया है, हमको तो भाई समझ ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पे साइड करते हैं, PHD चौक पानी टंकी, वह उधर जगह ही नहीं था तो इसलिए साइड हमको आना पड़ा। तो भाई आज फाइनली सेकंड सर्विस इसका होने जा रहा है ड्यूकी का, और सेकंड सर्विस में कितना क्या कॉस्ट आता है, क्या क्या लगता है, क्या क्या चेंज होगा, हम आप लोग से हर चीज़ शेयर करेंगे। आप लोग ब्लॉग में सिर्फ कंटिन्यू रहिएगा, हर चीज़ आप लोग को मिलेगा देखने को। और इंजन ऑयल कैसे चेंज कम हमको लग रहा है आप लोग को हम बता रहे हैं, ये देखिए इंजन ऑयल है ही नहीं भाई, है ही नहीं। और इसको अगर हम सीधा भी करते हैं ना, देखिए बाइक एकदम सीधा है, अपना तरफ हम खींचे हुए बाइक सीधा है, उसमें भी यहाँ पे है इंजन ऑयल देख लीजिए, तो इंजन ऑयल भाई कम हो गया। और हमको ये जहाँ तक हमको ऐसा लग रहा है ये एग्जॉस्ट का वजह से हो रहा है, क्योंकि भाई इसका डीवी किलर जैसे कि आप लोग जान रहे हैं इसका डीवी किलर निकाले हुए हैं, एंड है कुछ। अब जो लोग अगर एग्जॉस्ट अगर चेंज करवाते भी हैं ना, तो उन लोग को सिर्फ ये इतना करना होगा कि आप समय से भाई पहले आपको सर्विसिंग करवाना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वही चीज़ इसमें हो गया है। अगर आपको थोड़ा अच्छा लुक चाहिए, आवाज़ चाहिए, तो सर्विसिंग थोड़ा आपको ये मतलब टाइम टाइम पे ये थोड़ा देखना पड़ेगा आप लोग को,
तो भाई जो था यही था, और तो वैसा कुछ ये है नहीं इसमें बताने के लिए आप लोग को। आप लोग को हम बताना चाहते थे, जिन लोगों का कमेंट आ रहा था भाई क्विक शिफ्टर का जो हम यूज़ सही से नहीं करने पाए, एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाले थे बट हम इसे ऐड कर दे रहे हैं। हाँ भाई, हम मेरे से मिस्टेक हो रहा था। मिस्टेक क्या हो रहा था, हम सही से ये नहीं कर पा रहे थे। और हमको हम कर क्या रहे थे, मान चलिए हम एक कांस्टेंट स्पीड में चल रहे हैं, हम गियर चेंज करना रहता था ना, तो हम इसमें करते क्या थे, ये थ्रोटल लिए हुए और हम इसको कम करके फिर ये ऐसा करते थे और गियर चेंज करते थे। लेकिन हमको ये चीज़ ना करके ये इसको हमको एक्सीलेटर लिए हुए हैं और उसी में हमको गियर शिफ्ट करना था। हमको बहुत लोग समझाया एंड ट्राई किए और भाई क्विक शिफ्टर सच में काम कर रहा है। तो खैर जो भी हो, बट सर्विस सेंटर वाले भी तो भाई वैसे ही किए, उन लोग भी बोल दिए हमको कि भाई सही में काम कर रहा है। तो हमको भी लगा हो सकता है ख़राबी होगा, तो भाई सॉरी रहेगा सबको। वो हम गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहते थे, वो हमको पता नहीं था, हम ना किसी को वीडियो पहले देखे थे, तो सॉरी रहेगा उसके लिए। तो खैर कोई बात नहीं, बट मिसिंग का इशू मेरा जा नहीं रहा है इसमें। मिसिंग का इशू मेरा बहुत ज़्यादा आ रहा है और गाड़ी तो भाई बंद भी पड़ जा रहा है कभी कभी, हम आप लोगों को बता नहीं पाएंगे। तो अभी मेन फोकस करना है सर्विसिंग पे। सर्विसिंग पे जाते हैं, इसका ब्रेक शू भाई पूरा घिस गया है, पता नहीं किस तरह का ब्रेक शू दिया हुआ है, इसका ब्रेक शू पूरा चला गया है आगे पीछे दोनों। अब वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, एंड चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से एंड डायरेक्ट मिलते हैं आप लोग से सर्विस सेंटर में। एंड पहुँच गए हैं सर्विस सेंटर, तो देखिए चलते हैं। हाँ भाई, फर्स्ट टाइम आए हैं तो कैसा क्या रहता है, बात करते जाके। भाई रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है तो यहाँ तो आप लोगों को दिखा नहीं पाएंगे। भाई सर्विस सेंटर का अंदर, और बाइक देखिए वो उधर लगा हुआ है। खैर जो भी हो, तो भाई ये दिया गया, देखिए यहाँ पे इंजन ऑयल जिसमें कि मेरा बाइक में डलता 1.5 लीटर का, देख लीजिए यहाँ पे मोटूल 7100 20W50 एंड इसका MRP आप लोग देख लीजिए, बैक अप टू 1000 और इसमें आपको कैशबैक मिलेगा। अभी ऐसा मिल रहा है बट देखते हैं, स्क्रैच करेंगे ना, स्क्रैच करेंगे और इसको स्कैन करेंगे तो देखते हैं। इसको स्क्रैच करते हैं भाई, मिलता है या नहीं मिलता है वो आप लोग सिर्फ देखिए। सारा कुछ कर लिए एंड अब आगे देखते हैं क्या होता है। मेरा पेस्ट क्लेम रिवार्ड, ये कैशबैक ऑफ ₹50 ले भैया, ₹50 सिर्फ आया ले तेरी की। यू हैव ओन एन इंस्टेंट कैशबैक ऑफ ₹50, क्या फायदे के ₹50 मेरे अकाउंट में आ भी गया, ₹50 इतना तो भाई तेल का भी खर्चा नहीं निकलेगा। खैर कुछ नहीं से अच्छा कुछ सही, इस इंजन ऑयल से मिला जो मेरे बाइक में डलता है 7140 20W50 और इसमें कैशबैक ये देखिए। आप लोग ज़रूर अगर ये डलवाइएगा तो ये स्कैन कीजिएगा, कुछ कुछ तो मिलेगा भाई, ₹50 ₹100 किसी का 200-300 भी मिलता है। तो खैर जो भी था सब कुछ ये हो गया एंड अब इंजन ऑयल पता नहीं इसमें ना, इसमें शायद मेरा 1.3 लीटर डलेगा, 200 ml रहेगा, इसको हम 1000 के बाद टॉप अप करेंगे। तो ये भी इंजन ऑयल लेके जाना है डब्बा, और इसका देख लीजिए MRP आप लोग को पहले ही बता दिए हैं ₹1375। नीचे में पता नहीं क्या लिखा हुआ, USP अच्छा पर लीटर ₹916 पर लीटर, बट 1.5 लीटर का है जिसके हिसाब से ₹1375 इसका लग रहा है। तो बाइक एंड गाइस फाइनली भाई काफ़ी जल्दी सर्विस हुआ मेरा, हमको लगता है ना हम यहाँ पे आए थे 11 बजे एंड अभी देखिए टाइम भी हो रहा है। टाइम आप लोग को हम बताते हैं, पता नहीं इसमें मीटर में सही टाइम दे रहा है या नहीं दे रहा है, 1 बज रहा है यहाँ, 12 बज रहा है, फिर से पता नहीं कैसे रिसेट हो गया इसमें, ऐसा रहा 12 यहाँ पे, पता नहीं अपने आप एक चेंज कैसे हो गया, यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं किया तो ये चेंज हो गया है। बट सर्विस हमको जो मिला भाई 2 घंटा में पूरा ऑल टोटल कंप्लीट एंड सब कुछ, और क्या क्या चेंज हुआ है वो आप लोग को हम आगे में कहीं रुकते हैं बताते हैं। सेकंड सर्विस में कितना कॉस्ट आएगा आपका बाइक का, अगर जो जो चीज़ हम लगवाए हैं वो चीज़ करवाइएगा तो।
और इंजन ऑयल मेरा कितना कम हुआ था वो अभी आप लोग को दिखाने वाले हैं। जो आप लोग कम बता रहे थे कि भाई मेरा इंजन ऑयल कम हुआ है, कितना कम हुआ था वो आप लोग को कहीं रुकेंगे ना तो आप लोग को बताते हैं एंड दिखाते भी हैं। और इसका भाई डिस्क पैड इतना ख़राब दिया हुआ है कंपनी तरफ से, न्यू वाला भाई, न्यू वाला जनरेशन 3 Duke 250 का डिस्क पैड इतना ख़राब दिया हुआ है ना, तो उसके लिए भी हम क्या किए हैं वो आप लोग को हम बताने वाले हैं। बट चलते हैं आगे और कहीं रुकते हैं एंड फिर आप लोग से वहाँ पे सीधा मिलते हैं। ये देखिए मेरे ड्यूक की भाई फाइनली सब कुछ सेकेंड सर्विस। भाई बहुत ज़्यादा टेंशन लगा हुआ था कि भाई इंजन ऑयल कम हो गया, क्या होगा नहीं होगा, कुछ हो जाता ना तो भाई मेरा सब तरफ से ये बाइक लेने के बाद वैसे ही मेरा पनौती लगा हुआ है। तो हम सोचे भाई रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है भाई, बिल्कुल नहीं। तो सब कुछ तो हो गया है फ़िलहाल एंड कितना क्या क्या कॉस्ट आया हर चीज़ आप लोग को बताते हैं। और डिस्क पैड भाई पूरा नया लग गया है, इंजन ऑयल देखिए आप लोग को दिखाते हैं। अभी देखिए इसका ब्रेक ऑयल, अब इंजन ऑयल इसका भी देखिए सीधा किए ऊपर तक आ गया अब। और अब इंजन ऑयल आप लोग को हम दिखाते हैं भाई, और हम कितना में ये सर्विसिंग करवाए हैं ये भी आप लोग को बता दे रहे हैं कितना किलोमीटर के बाद। 5478 मतलब 5500 आसपास, 5500 आसपास में हम करवाए हैं। क्यों करवाए वो भी आप लोग को बता दिए हैं तो आप लोग समझ ही होंगे। बट आप लोग का अभी सामान दिखाते हैं, इंजन ऑयल कितना डला है वो भी दिखाते हैं, इंजन ऑयल का हालत कैसा था वो भी आप लोग को दिखाते हैं। इंजन ऑयल जो अभी मेरा गाड़ी में डला है, पिछले बार भी यही डला था। और ये कौन सा है 7120W50 ये डला है इंजन ऑयल। और 1.5 लीटर भाई पूरा आ गया, पूरा डाल दिए हैं, 100% सिंथेटिक रहता है ये ऑयल। अगर करवा रहे हैं आप तो आप इंजन ऑयल ज़रूर देखें, और सामने से करवा रहे हैं तो ऑयल फिल्टर जो यहाँ पे मोबिल फिल्टर रहता है यहाँ पे देखिए ऑयल फिल्टर ये ज़रूर देखिएगा। ये बस सबको सामने रह के चेंज करवाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भाई जैसा जैसे कि आप लोग को बताया कि चैन ब्यूब तो भाई वो लोग तो मेरा फ्री में करके दिए हैं। तो अभी देखिए चैन कुछ ऐसा दिख रहा है, चैन ल्यूब तो भाई मेरा फ्री में हो गया। फ्री में क्या होगा, बस दे दिए हैं क्योंकि भाई पहले हम जाते तो दूसरा जगह इस बार आए तो भले कुछ देंगे तो भाई ये मेरा करके दिए हैं वो अच्छा भी लगा। खैर और ये डला इंजन ऑयल का लगा। और आप लोग को दिखाते हैं इसका डिस्क पैड का भाई हालत आप लोग देखिएगा ना, और कितना चलाए हैं गाड़ी वो भी आप लोग देख लिए। 5500 में डिस्क पैड का हालत दिखाते हैं, काम भाई काम। पहले तो आगे का देखिए, आगे का डिस्क पैड देखिए भाई कुछ बचा ही नहीं है, देख रहे पूरा ख़त्म। देखिए ये पूरा ख़त्म हो गया भाई, पूरा ख़त्म। बताओ मतलब पता नहीं, हमको तो नहीं लगता था कि इतना 5-5.5 हज़ार किलोमीटर में डिस्क पैड भी चेंज होना चाहिए। तो अब इतना जल्दी ये कैसे ख़त्म हुआ ये तो हमको नहीं पता। और एक जो इसमें चीज़ है जो हमको भाई थोड़ा बहुत और कमेंट भी आता है हमको कि भाई इसका ना ये आवाज़, हम जब बताए थे किसी को बताए थे ना तो वो लोग बोले कि हाँ ये मेरा भी आवाज़ आता है, ये जो डिस्क पैड है ना इससे ना पीछे नॉइज आता है भाई। ब्रेक आपका गाड़ी ऐसे भी चलता रहेगा, ब्रेक अप्लाई नहीं भी कीजिएगा ना तो चो 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 आवाज़ करता ही रहेगा आगे पीछे, ये दोनों वही हाल है। पीछे का डिस्क पैड तो ठीक है, देखिए पीछे का डिस्क पैड ठीक है, इसीलिए हम दोनों आप लोग को दिखाने के लिए ये लेके आए हुए थे। आगे वाला तो भाई पूरा ख़त्म हो गया यार, पूरा ख़त्म आगे। और कोशिश कीजिएगा अगर ये सब दिखेगा तो आप लोग भाई चेंज करवा ही लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भाई ये आप रेगुलर आप लोग ये चेकअप है मतलब जो आप लोग कर सकते हैं घर में ही आप लोग देख सकते हैं। तो क्या क्या था आप लोग सब कुछ बता दिए, कितना इंजन ऑयल डलता है 1.5 लीटर डलता है वो भी आप लोग देख लीजिए। और जब भी इंजन ऑयल डलवाइएगा यही डलवाइएगा, और मोबिल फिल्टर एयर फिल्टर जो रहता है ये सब तो आप बताने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे गाड़ी में क्या क्या चेंज हुआ ये आप लोग का भी हम दिखाते हैं, बिल निकालते हैं पहले उसके बाद दिखाते हैं आप लोग को। और ये रहा मेरे हाथ में अभी भाई पूरा टैक्स इनवॉइस स्पेयर पार्ट्स का, तो अभी आप लोग को पूरा सब कुछ दिखाते हैं क्या क्या चेंज हुआ है। पता नहीं समझा पा, ओरिंग चेंज हुआ है, ओरिंग जो
इसमें रहता है ऑयल फिल्टर के पास अंदर में ओरिंग आता है, जैसे कि बाहर इंजन ऑयल लीक नहीं करता, जो मेरा पहले हो रहा था आप लोग देखे होंगे, तो वहाँ पे ओरिंग डलता है। ओरिंग हुआ, इंजन ऑयल आप लोग को दिखा दिए, ऑयल फिल्टर जो इसका अंदर रहता है, ऑयल फिल्टर यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऑयल फिल्टर। और ब्रेक पैड पीछे का, रियर और एलिमेंट एयर फिल्टर एयर, ये हमको नहीं पता है एलिमेंट या फिल्टर एयर क्या है, चेंज तो हुआ ही होगा, खैर जो भी हो। ब्रेक पैड आगे का और इसका प्राइस आप लोगों को बताते हैं। ओरिंग का देखिए हमको 900 रुपये पड़ा और ऑयल फिल्टर का पड़ा वही 1237, ऑयल फिल्टर का 79, ब्रेक पैड का पीछे का पड़ा है 260, एलिमेंट एयर फिल्टर का पड़ा है 236 और आगे का पड़ा है 420। तो टोटल मेरा 2243 रुपये का भाई खर्चा आया है। तो जो था उतना ही था। और सेकंड सर्विस में आकर आप लोग ब्रेक पैड अगर चेंज करवाइएगा तो आपको उतना खर्चा आ सकता है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपका अगर सही रहेगा तो नहीं भी करवा सकते हैं, अगर नहीं रहा तो। अगर आगे मेरा तो भाई आवाज़ आता था, आप लोग को हम बता दिए, आगे से भी आवाज़ आता था, पीछे से भी आवाज़ आता, कुछ कुछ चौई चौई, तो इसलिए हम पुराना वाला डलवाए हैं। और एक चीज़ और बताना हम चाहते हैं, ये जो डिस्क पैड है ये तो Gen 3 का है भाई, लेकिन हम डलवाए हैं Gen 2 का, उसमें से कि आवाज़ नहीं आता है, जो आगे या पीछे से जो नॉइज़ आता है ना उसमें नहीं आएगा। तो जो था आप लोग को दिखा दिए, आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अपना ब्लॉग अब करते हैं भाई यहाँ पे एंड, मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको बाय, टाटा।